हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? राधे राधे। तो आज हम तैयार हैं दोनों। हम क्यों तैयार हैं? आज है हैप्पी डॉटर्स डे। जाने वाले हैं वो पहले बता देते हैं। आज है जितनी भी बेटियां हैं उनके लिए स्पेशल डे है, बेटी दिवस है। और मुझे तो याद भी नहीं था, सुबह सुबह मेरे पापा, सुबह तो नहीं है, 12 बजे मेरे पापा का कॉल आया कि ना कोई राधे राधे, ना कोई दुआ सलाम, ना कोई स्टेटस देखना, आज भाई हैप्पी डॉटर्स डे। मुझे तब पता चला कि अच्छा, आज हमारे लिए स्पेशल डे है। तो बस तभी से खुश हैं हम, तो तभी से खुशी मना रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने गा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं। तो जितनी भी प्यारी प्यारी बेटियां हैं सभी को हम दोनों की तरफ से हैप्पी डॉटर्स डे। ना सभी बेटियां जो होती हैं घर की रौनक होती हैं, बाबुल की रानियां होती हैं, है ना, राजकुमारी होती हैं, राजदुलारी होती हैं। हमारे घर में दो शैतान हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम हैं इस घर की बेटियां, और क्या बोल सकते हैं, क्यों। तो आज हम तैयार इसलिए हुए हैं कि हम घूमने जा रहे हैं। हम सोचा आज का डे ऐसे खाली खाली कैसे जाने दें। तो मैंने फरमाइश रखी अपनी कि भैया हमें कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो कुछ बाहर का हो जाए चटर पटर। अच्छा। तो हाँ देखा, मैंने मैडम को तैयार होने बोल दिया, पूछ पूछ के परेशान है मैडम कि कहाँ जाना है, बस तैयार हो जाओ, बस तैयार हो जाओ, भाई जी ने बोला है। तो जैसे ही ये लाइन जुड़ जाती है कि भाई जी ने बोला है, उसके बाद मोनिका ठीक है, मतलब अब डन है, कुछ नहीं आप बोल सकते। तो पता चल गया कहाँ जा रहे हैं हम? नहीं मुझे नहीं पता। हम बाहर जा रहे हैं घूमने, तो चाट पकौड़े खाने, कुछ चटपटा खाने, हो सकता है गोलगप्पे खाएं, हो सकता है हम पिज्ज़ा भी खा सकते हैं। तो इसी वजह से फिर इनके पापा ने बोला कि बच्चों को भी ले लो। तो वहाँ मेरे दो शैतान, वहाँ देखिए वो दोनों रेडी होके, अरे 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 वो देखिए बदमाशी करते हुए दोनों बहुत नॉटी होते जा रहे हैं। दिन पर दिन इनकी शैतानी जो है बढ़ती चली जा रही है, आप सुन ही रहे होंगे। तो देखते हैं चलते हैं, कहाँ लेके जाते हैं मामा जी हमें, आप सभी के मामा जी हमें कहाँ लेके जाते हैं, इनके जेठ जी हमें कहाँ लेके जाते हैं, आज के डे को कैसे स्पेशल बनाते हैं हम। कुछ तो अब बाहर निकलेंगे तो कुछ तो अच्छा होगा ही। और कल से माता रानी के नवरात्रे हैं, तो मम्मी गई हुई है मार्केट नवरात्रे का, पूजा का सारा सामान लेने, सामान लाने, श्री फल चुन्नी और मिट्टी का बर्तन, सब कुछ जो भी जरूरी सामान है, फल चल सब, व्रत हैं मामा जी, मतलब ये मेरे जो साहब हैं ना, वो पूरे 9 दिन जो है नवरात्रे करते हैं, और बिना नमक का वो पूरे 9 दिन व्रत करते हैं। तो कल से उनका वो कठिन व्रत चालू हो रहा है, तो आप सभी उन्हें जो है बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा कि वो एकदम स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें। और आप सब भी जो भी नवरात्रे करते हैं सभी बहुत खुशी खुशी जो है, सब खुशी खुशी रखें, सभी स्वस्थ रहें। इतनी चिंतन में क्यों हैं आप, जरा बताइए। मैं बता सकती हूँ, इनके 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 वाले के आने के टाइम में हम इन्हें बाहर लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो आप सभी बताइएगा कि आज मोनिका की हंसी असली है या नकली, बताइए। असली है मेरी हंसी, आज लग नहीं रही, लेकिन तो चले फिर बाहर चलते हैं खुशी खुशी, है ना। निकल पड़े हम पैदल पैदल, कहाँ के लिए निकल रहे हैं भाई? पता नहीं। चलो ठीक है, बता देते हैं कहाँ के लिए निकल रहे हैं। कुछ खाने के लिए निकल रहे हैं, बच्चों की डिमांड थी, वैसे भी नवरात्रि आ जाएंगे, उसके बाद घर में बहुत सारे काम हैं, हम बिजी रहेंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे। हमने कहा कि हम निकल लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो भाई यहाँ पे हम आ गए हैं रोम्स पिज़्ज़ा, क्योंकि बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाता है ये, और देखते हैं अंदर क्या ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे आते ही बच्चों ने कहा कि भाई सबको इंडिविजुअल पिज़्ज़ा चाहिए, तो सबको हमने सबके लिए ये पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। मैंने अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं मम्मी के साथ जाके और तब पिज़्ज़ा खाऊंगा जब मम्मी आ जाएंगी। तो लेकिन मम्मी को बहुत ही ज़्यादा देर हो गया और मैं तो पिज़्ज़ा खा ही नहीं पाया भाई लोगों। यहाँ बच्चों ने इन्जॉय किया, मुझे उसी चीज़ की बहुत खुशी है। मुझे एक स्लाइस तो मिल ही गया था, लेकिन तो अच्छा था, ठीक है। साथ में सब ने कोक इन्जॉय किया, मेरे लिए भी थोड़ा बच गया था, लास्ट में रख रही हैं, और मैंने ही कोक सारा डकार लिया। तो बहुत ही छोटा सा, मैंने कहा कि काफ़ी दिन हो गए थे बच्चे कहते रहते हैं मैं पिज़्ज़ा नहीं खिलवाता, इसलिए क्योंकि इसमें मैदा ज़्यादा होता है, ये लोग मैगी वैसे ही बहुत ज़्यादा खाते हैं। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज पिज़्ज़ा खा लेते हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही हम लोग चाट पकौड़ी खाने गए थे, तो मैंने कहा चलो आज पिज़्ज़ा का टाइम बन जाता है। बहुत ही अच्छा यहाँ का एम्बियंस था, कल क्रिकेट मैच चल रहा था इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और जब घर मंगाते हैं पिज़्ज़ा तो बहुत सौगी हो जाता है, और यहाँ पर आप जाके खाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है, गरम गरम सा, टेस्टी सा, और बहुत ही अच्छे से उसका जो
जो मतलब मतलब जो भी चीज़ जली हुई होती है उसके ऊपर अच्छी लगती रहती है, तो खूब इंजॉय किया सभी ने वहाँ पे। तो मेरा पिज्जा हो चुका है डन, मैंने सबसे पहले बाजी मारी है, सबसे पहले ये तीनों अपना इंजॉय कर रहे हैं, धीरे धीरे टेस्ट लेके खा रहे हैं, और ये दगाबाज हैं, इन्होंने नहीं खाया। नहीं, मैंने टेस्ट किया है, मम्मी के साथ लेके आता हूँ और खाऊंगा। हमारे साथ भी खा लो और जब मम्मी के साथ आओगे तो उनके साथ भी शेयर कर लेना। मम्मी लेकिन साथ में आ जाए। अच्छा लगा यहाँ पे आके अगर आप गरम गरम खाते हो ना कोई चीज़ का मज़ा अलग ही है, जबकि घर तक जाते जाते सौगी हो जाता है, इतना अच्छा टेस्ट है। मेरे ख्याल से तो इधर घर पे मंगवाना ही नहीं चाहिए, खराब हो जाता होगा, है ना? हो जाता होगा, नहीं हो जाता है। अच्छा, हो जाता है, ठीक है। तो वही पिज्जा खा लिया है और निकल रहे हैं यहाँ से। तो पैदल पैदल चलते हुए हम आ गए हैं शिव चौक, यहाँ पीछे खाटू नरेश के दर्शन किए। तो बोलिए खाटू नरेश। तो पिज्ज़ा खाने के बाद मुझे ऐसा लगता है ना कि कार्तिक को पता नहीं क्या ही हो गया, बहुत ही सारे जो है ना क्या पूछ रहे हैं, रिडल्स इतने सारे पूछ रहे हैं, है ना, कि एक आ तो मैंने बता दी है, अब भाई इतना टाइम हो गया, इतना समझ में भी नहीं आता रहता है, तो क्या क्या रिडल्स पूछे जा रही है। अभी एक नया नया पूछा है ना, व्हिच नट हैव होल इन इट, ठीक है, बताना बिना गूगल किए हुए। और इससे पहले क्या पूछा था, इससे पहले पूछा था विच इज द एस्ट्रोनॉट्स फेवरेट की इन द कीबोर्ड और विच इज द थीफ फेवरेट की इन द कीबोर्ड। थीफ्स, हां ठीक है, ये दोनों कीबोर्ड में आप बताना। उससे पहले पूछा था क्लाउड इज माय मदर, विंड इज माय फादर, आई कैन कम डाउन बट नेवर गोज अप, व्हाट एम आई। हां ठीक है, ये तो इजी, ये तो बता दोगे आप, लेकिन बिना गूगल के बताना आप ये सारी चीजें, है ना। और फिर मैंने पूछा था आई एम योर ब्रदर बट यू आर माय ब्रदर बट आई एम नॉट योर ब्रदर। हां तो बताना इसका क्या है। हां तो ये एक पांच रिडल्स है। हां अब तो बेवाली बोली, ठीक है, तो आप बताना कि बिना गूगल के जो जो ये बताएगा ना उसका नाम शाउट आउट मिलेगा। शाउट आउट होता है कि भाई नाम ले लेते हैं। ओके, तो शाउट आउट बोलते हैं। नमकीन चावल वाले दिन मैंने बोला था शाउट आउट। मैं सब तो अपनी डॉटर्स के साथ खुश हैं, लेकिन यहाँ आप जो हैं बेटों के साथ लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो पहली बात तो ये कि जब मैंने जब जिस दिन नमकीन चावल का मैंने शाउट आउट बोला था, जो जो बताएगा मेरा फेवरेट चीज क्या है खाने में, मैंने खुद ही बोल दिया था आपने। अब जो इन मतलब जो रिडल्स हैं उनको बिना गूगल करे बताएगा उनको शाउट आउट मिलेगा। ठीक है, ईमानदारी से, है ना, ईमानदारी, और ठीक है, तो मिल ही जाएगा। ठीक है, बोलो भी कुछ। अच्छा, मैंने सोचा आप उधर दीदी हैं अभी, तो बोलना क्या है भाई, कल से माता रानी के दिन शुरू हैं। जाहिर सी बात है कि सब अपने अपने घरों में जो है माता रानी के कल के दिन की जो है माता रानी को जो है लाने के लिए, उनके स्वागत के लिए सब तैयारियां कर रहे होंगे, फूल फल चुन्नियां, माता रानी के वस्त्र श्रीफल। तो इसी तरीके से मम्मी भी आज शाम को, मैंने बताया था मम्मी मार्केट गई हुई हैं, तो कल सुबह के कलश स्थापना के लिए और जयंत्री के लिए सब कुछ जो है सब कुछ मम्मी ले आई हैं, मम्मी और पापा सब कुछ ले आए हैं। देखिए फूल तो फूल माला वाला सब आ गई है। बिल्कुल, तो सुबह का क्या होता है ना कि इतना टाइम नहीं रहता है, शॉप चले जाते हैं, तो क्या कौन ला पाएगा नहीं ला पाएगा ये देखिए जो आ चुके हैं। बिल्कुल, रेत आ चुका है, ये सब कुछ जो है कल पापा अच्छे से सब कुछ बैठ के और बहुत अच्छे से हम दरबार लगाएंगे छोटा सा माता रानी का, आप सबको जरूर दिखाएंगे। आप सब भी बताइएगा माता रानी के दरबार में आप सबने क्या क्या किया, और इनका जो है वो 9 दिन का अनूना व्रत रहेगा, कल मेरा भी रहेगा पर मैं पहला और आखिरी ही करती हूँ, और वो सब छोटी भी व्रत करेगी, हम 3 जने व्रत में रहेंगे, तो देखिए कल का दिन कैसा निकलता है, गाते बजाते माता रानी के भजन गाएंगे और पूजा करेंगे। ऑफिस कौन करेगा? आप ऑफिस करिएगा, हम भजन गाएंगे, काम करेंगे, ये सब सजाएंगे, है ना, ठीक है। तो कल दिखाएंगे, ये भी लाए हम सुंदर सा और वो मिट्टी की नहीं है इसलिए हम उनको विसर्जित नहीं कर रहे हैं इस बार, इस बार हमने रख रहे हैं,
ऐसे ही आप सभी की यहाँ भी तैयारी चल रही होंगी, सबको अभी से जो है जय माता दी है, अभी से माता रानी का जो है जयकारा लगाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। और आज का बेटी दिवस, हैप्पी डॉटर्स डे, और आज के दिन ही माता रानी के आने की तैयारी, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज जब से व्लॉगिंग स्टार्ट हुई है इवनिंग से, जब भी हम बाहर घूमने जा रहे थे और मैंने सभी को हैप्पी डॉटर्स डे बोला, तभी से ही ना मेरा मन था, मतलब आज सुबह से ही मैंने मन बना रखा था कि मैं एक छोटा सा गाना गाऊंगी अपने पापा के लिए। और सुबह से ही मुझे अपने पेरेंट्स की भी बहुत याद आ रही है, सभी बेटियां जो भी शादी हो चुकी हैं या जो भी किसी और वजह से, पढ़ाई की वजह से या जॉब की वजह से दूर रहती हैं पेरेंट्स से, तो वो जो हैं खूब अच्छे से अपने पेरेंट्स को मिस कर रही होंगी। और जो मैरिड हैं वो उनको जो है अपने गार्जियन की ज़्यादा याद आती होगी। तो आज सुबह से ही ना मैं गाना गुनगुना रही थी, तो मैंने सोचा वो गाना जो है मैं आप सभी को भी सुनाऊं। शादी से पहले भी मैं वो सॉन्ग गाती थी, तो शादी के बाद जब मैं वो गाना अपने पापा के आगे गाती थी ना, तो मेरे पापा रो पड़ते थे नई नई शादी में। अब तो खैर बहुत पुरानी बात हो गई है, पर जब नई नई बेटी विदा होती है तो उसकी बात ही अलग होती है। दुख तो आज भी पापा को बहुत होता है, जब मैं दो घंटे के लिए भी उनसे मिल के निकलती हूँ तो उन्हें एक अलग ही फीलिंग होती है। हालांकि मेरे पेरेंट्स अब बहुत खुश हैं, भैया भाभी भैया और दोनों बच्चों के साथ उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, पर बेटियां तो बेटियां होती हैं। तो मैं जो अपने पापा के लिए के लिए ये सॉन्ग गाती थी, तो वो मैं आज आपको सुनाती हूँ। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो आप सभी प्लीज़ बताइएगा। पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई क्यों, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, पापा की निगाहों में ममता की बाहों में, पापा की निगाहों में ममता की बाहों में, कुछ दिन और रहती तो क्या बिगड़ जाता, पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई क्यों। गया वो बचपन, गए वो सपने, बेगाने हो गए सारे वो अपने, नन्ही सी वो गुड़िया मेरी, नन्हा सा वो झूला तेरा, जहाँ मैं दूर हुआ वहीं पे मुँह फूला तेरा, फिर तू मना लेता गले से लगा लेता, दिन यही और रहते तो क्या बिगड़ जाता, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों। तो ये गाना मैं जब भी गाती हूँ हाँ, तो मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती हूँ हमेशा। इतने ज़्यादा टाइम हो गया शादी हुए हुए, फिर भी ये गाना जो है ना एकदम बचपन की सारी यादें, और आज सुबह से पापा के साथ बिताए हुए सारे अच्छे अच्छे पल, छोटे छोटे डेज को अच्छे से सेलिब्रेट करना, सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। तो आज मैंने ये सॉन्ग आप सभी के साथ शेयर किया, तो आप सभी प्लीज़ बताइएगा कि ये सॉन्ग आप सभी को कैसा लगा, किस किस को अपने अपने पापा की याद आई ये सॉन्ग सुन के, और किसे ये गाना अच्छा लगता है जरूर बताइएगा। क्यों कार्तिक, शाउट आउट जरूर मिलेगा अगर आज कार्तिक ने भी कुछ सवाल किए हैं। तो आज के इस छोटे से व्लॉग में काफ़ी कुछ है, हमारा छोटा सा जो है डॉटर्स डे का सेलिब्रेशन है, हमारी पिज्ज़ा पार्टी है, और केश कार्तिक के क्विज हैं, और मेरा छोटा सा एक सॉन्ग है। तो ऐसे ही हमें आप लोग जो है ब्लेसिंग दीजिए कि रोज़ कुछ अच्छा करने का हमें जो है मौका मिले आप सभी के साथ शेयर करने का, और ऐसे ही हम आपके सामने आते रहें, है ना। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, राधे, राधे।